क्या रहा है एक्चुअली, मैक्सिमम स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं ना, वो कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसके अलावा पॉलिटेक्निक में कुछ बचा ही नहीं है। लीजिए, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ऐसे ट्रेड में एडमिशन मत लीजिए जो ट्रेड शायद आपकी लाइफ करप्ट कर सकता है, जो ट्रेड शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे ट्रेड में आप एडमिशन मत लीजिए। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आप लोगों को पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आप डिप्लोमा करने जाते हो तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप करियर पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सबसे ज्यादा मिलती है। और एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में थी, प्राइवेट इंडस्ट्री में शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। अब धीरे धीरे प्राइवेट इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ रहा है, लेकिन हाँ अपग्रेड करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप कहाँ कहाँ पे, जैसे कोई भी कंपनी हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब होती है, चाहे वो सैमसंग हो गया, चाहे सोनी हो गया, चाहे पैनासोनिक हो गया। अब इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये लाइट, जितनी भी लाइट हैं, LEDs हैं, बल्ब हैं, पंखा है, AC है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सारी कंपनियों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। अब देखो, सिस्का LED है, आपने उसका नाम सुना होगा, एक ब्रांड है सिस्का LED। कैमरे जो लगते हैं, आपने कैमरों का नाम सुना होगा, जितने भी 360 डिग्री रोटेशनल कैमरेज होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ों पे आता है। अब इलेक्ट्रिकल, अगर आप पॉलिटेक्निक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप करते हैं ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी ह्यूज स्कोप है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं ना, सबसे बड़ी बात, हम कंपनी तक पहुँच ही नहीं पाते। हकीकत तो यही है, पॉलिटेक्निक वाले कंपनी तक पहुँचे नहीं पाते। अगर आपका कैंपस हो गया तो आपको लगता है वाह मजा आ गया बहुत, चाहे वो 5,000 रुपए पर मंथ की जॉब हो, और अच्छा भी होना चाहिए क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद जो खुशी होती है, 10,000 रुपए महीने की भी जॉब हो तो वो खुशी एक अलग खुशी होती है। और कैंपस प्लेसमेंट का एक फायदा ये होता है कि वहां से आपको अपना रास्ता दिखने लगता है कि हमें जाना कहां है, हमें किस डायरेक्शन में जाकर के काम करना है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, वो अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, अपने माइंडसेट को एक लेवल पे लेकर के आए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना और इस तरह से चीजें काम करनी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको कंपनियों तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब नहीं है, रास्ते बंद है, क्लोज है, आप क्या कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली अगर आप माइंडसेट में वो बातें रखोगे तभी ना बढ़ोगे आगे। जब आपके माइंडसेट में कुछ और चल रहा है, आपको लगेगा नहीं हम तो सरकारी नौकरी ही लेके रहेंगे, सरकारी नौकरी में भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉम्पिटिशन, अगर आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकते हो तभी जाओ, अगर आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं कर पाओगे तो क्यों जा रहे हो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने। शायद चीजें आपके लिए बेहतर नहीं हो पाएंगी, शायद चीजें आपके समझ से बाहर हो जाएंगी, शायद चीजें आपके हाथ से स्लिप कर जाएंगी, तो वो सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, चीजें समझोगे नहीं, चीजें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक शायद चीजें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो चीजें समझना फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना अगर आप सही से करते हो तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, देर सही लेकिन जॉब जरूर लगेगा। कॉपर वायर की कंपनी है, कॉपर वायर की कंपनीज में आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब उसके अलावा आप ये जो AC जितनी भी, चाहे वो हायर की हो, चाहे किसी भी कंपनी की AC हो, सैमसंग का हो, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, वहाँ पे भी जॉब है। वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, मोबाइल की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ हैं, वहाँ पे भी जॉब है। पहुँचना तो पड़ेगा ना आपको, अगर आपको प्यास लगी है तो ऑब्वियसली आप जाओगे ना पानी लेने, कि पानी आपके पास खुद चल के तो थोड़ी ना आ जाएगा, आपको जाना तो पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको कंपनी तक पहुंचना पड़ेगा, कंपनियों तक अपना रिज्यूम बायोडाटा पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंपनियों की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन हो गया है, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे चीज़ें काम कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, बहुत जॉब है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और प्लांट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। लेकिन हाँ, हर जगह आपको पहुंचना पड़ेगा। आप सोचो घर पर मैं इस तरह से बैठा रहूं और मेरे को जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जब तक वो चीजें नहीं होंगी, ऑब्वियसली आपके लिए चीजें समझ से बाहर होंगी और शायद आपके लिए अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी आप चाहते हो अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो बस वीडियो में बताने का एम यही था कि आप लोग समझ जाइए और अपने करियर को आगे लेके जाइए। बहुत फायदे हैं, लेकिन सही तरीके से करोगे तब जाके फायदे हैं। अगर आप अनवांटेड तरीके से लेके जाओगे तो कोई फायदा नहीं है।
तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक का चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक।